तो फाइनली अपनी मटका मिसल आ चुकी है, खाना परोसेंगे। वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। तो आज हम जा रहे थे व्लॉग शूट करने को, पर वो जिस जगह व्लॉग शूट करने जा रहे थे वो तो व्लॉग शूट हुआ नहीं। अभी हम जा रहे हैं दूसरी जगह जहाँ का एक फूड व्लॉग शूट करने के लिए। अभी हम आए हैं मटका मिसल, जो देवल राजा में नई दुकान खुली है उसका, तो देखेंगे यहाँ पर का मिसल पाव टेस्ट करके कैसा लगता है, क्या लगता है। ये दुकान जो है अभी कुछ ही दिन हुए खुलने के लिए, अभी खुली है दुकान। इसके मेन्यू में इसका मेन्यू कुछ ऐसा है, सादी मिसल, स्पेशल मिसल, मटका मिसल। तो ये मटके में परोसते हैं शायद, देखते हैं अब कैसे मिली। मेरे साथ ये पप्पी, पप्पी तो फाइनली अपनी मटका मिसल आ चुकी है। तो यहाँ पर इसके साथ पापड़ है, दो पाव है, और ये मटके में कुल्लड़ में मिसल है, और ये रसा है। बहुत टेस्टी लग रहा है ये तो। खाना परोसेंगे इसमें मिसल में, आई थिंक ऐसे ही कुछ खाने का आइडिया है ये। भैया जुलबी हटा, तरी डालेंगे इंशाल्लाह। कैसी लग रही भाई? तो परवेज को तो टेस्ट पसंद आ गया है इसका, और मुझे भी काफी हद तक अच्छी लग रही है, मस्त एकदम, काफी अच्छा है गाइस। आप सबको भी ट्राई करना चाहिए, अपने देवलगढ़ राजा में बस स्टैंड चौक में ही है, और काफ़ी चीप एंड बेस्ट। जल्दी भाई, ये जो नवा कॉन्सेप्ट है इनका जो है हंडी का, मुझे बहुत पसंद आया मेरे को। अभी खाने का तो आप भरपूर ले जा सकते हैं, आपकी हो जाती है। काफ़ी अच्छी जगह है, आपको ये मटेरियल भी मिल जाएंगे साथ में। मैं आप लोगों को एक प्रो टिप ये देना चाहूँगा कि अगर आप एक ही प्लेट अच्छा पाव मंगाते हो कि दो जने का प्लेट हो जाएगा। हम ही इधर आए थे मिस्टर पानी का, आपसे तो तुम्हारा नंबर याद आया तो फोन करे थे। तीसरे आदमी को छोड़ दिया हमने आज, सर मेरे और सर के साथ में बोले भाई वीडियो कॉल नहीं करना। चलते तो अभी अपना पेट हो गया फुल, यहाँ से आके चाय पियेंगे अपन, गर्मा गर्म चाय, क्योंकि खाने के बाद चाय। खाना पीना हो गया ख़त्म, और खाने के बाद अपन निकले चाय अपने अड्डे पे। तलारी तो काफ़ी लोग मुझसे पूछ रहे थे कि एक दो लोग कि मेरा व्लॉग इतने दिनों से क्यों नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आया। तो मैं आपको ये बता दूं कि मेरी तबीयत थोड़ी नासाज चल रही थी, इस वजह से व्लॉग नहीं आ पाया अभी। लेकिन यहाँ से इंशाल्लाह आप कंटिन्यू करेंगे, छोटी छोटी चीज़ों के व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि अभी बाहर जाना आना थोड़ा बंद है के कारण, और बहुत उस पर अभी इसी वजह से मैं शांति सोच रहा हूँ। तो ये कि अगर मौसम थोड़ा ठंडा होता है तो बाहर भी जाएंगे। अच्छा, चाय का ऑर्डर देकर आ चुका है ये, और अपन आ गए हैं अपनी चाय की टपरी पे। यहाँ का नज़ारा बहुत अच्छा है, सुंदर, सुशील,
आ गई है अपनी चाय। तो अपनी चाय हो गई है खत्म और चाय के साथ आज का व्लॉग भी यही खत्म करते हैं। अगर आप न्यू हो उस चैनल को सब्सक्राइब करो और पुराने हो तो लाइक करो शेयर करो। अगर आप पुराने हो तो लाइक और शेयर करो।